हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम स्टार्टिंग द चैप्टर टू 1857 फ्रीडम स्ट्रगल एंड राजस्थान फ्रॉम हमारा राजस्थान बुक। द हिस्ट्री ऑफ अवेयरनेस फॉर फ्रीडम एंड स्ट्रगल इन इंडिया इज मेमोरेबल। भारत में जो भी अवेयरनेस जागरूकता थी स्वतंत्रता की और संघर्ष की, वो बड़ा मेमोरेबल, याद रखने योग्य है। टिल 1818 मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ राजस्थान हैड मेड ट्रीटीज। अब 1818 तक क्या हुआ कि बहुत सारे जो राज्य थे राजस्थान के, उन्होंने संधियां कर ली। किसके साथ? विद ब्रिटिश रूल। उस समय ब्रिटिश आए हुए थे हमारे यहाँ, तो ब्रिटिश रूल के साथ संधियां करना ज़रूरी हो गया। विच एंश्योर्ड द ब्रिटिश कंपनी गवर्नमेंट टू सेटल ऑल द म्यूचुअल डिस्प्यूट्स ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ राजस्थान। तब उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश कंपनी है, उन्होंने सेटल कर ली सारी जितने भी म्यूचुअल डिस्प्यूट, यानी जो आपसी विवाद था। डिस्प्यूट माने क्या होता है? विवाद। आपसी विवाद को उन्होंने राजस्थान राज्य के सारे विवादों को निपटा दिया। अक्सर ऐसा होता है, जब भी कभी हम किसी एनिमी शत्रु के साथ कोई समझौता करते हैं, तो क्या होता है, समझौते में सारी हमारी और भी जो विवाद हैं, हमारे जो झगड़े हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। बट द ब्रिटिश कंपनी बाय इंटरफेयरिंग इन इंटरनल अफेयर्स इंपेयरिंग द इंटरेस्ट ऑफ पीजेंट्स एंड कॉमन पीपल स्प्रेड डिससेटिस्फेक्शन इन राजस्थान। अब क्या हुआ, जो ब्रिटिश कंपनी थी, जब उसने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, तो जो किसान थे और कॉमन लोग थे, उन सब में डिससेटिस्फेक्शन यानी कि असंतोष फैल गया राजस्थान में। कॉजेज ऑफ 1857 रिवॉल्यूशन इन राजस्थान। अब जो कारण थे 1857 की, जो सुप्रसिद्ध क्रांति हमारी, द फेमस रेवोल्यूशन ऑफ 1857 इन राजस्थान, उसके जो कॉज हैं, कारण हैं, वो हम आपको बताएंगे। इंटरफेरेंस ऑफ द कंपनी इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द प्रोविंसेस। अब जो कंपनी है, उसने हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस माने हस्तक्षेप करना चालू कर दिया। काय में चालू कर दिया? इंटरनल अफेयर्स ऑफ द प्रोविंसेस, राज्यों के आंतरिक मामलों में। इंटरनल अफेयर्स क्या होते हैं? आंतरिक मामले। इग्नोरिंग द कंडीशन ऑफ द ट्रीटी, ट्रीटी की कंडीशंस को इग्नोर करते हुए, द ब्रिटिश बिगेन टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स। जो ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने आंतरिक मामलों में एंड एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन में, किसके, ऑफ द प्रोविंसेस, राज्यों के, दखलंदाजी शुरू कर दी। सच एज पोजेशन ऑफ द फोर्ट ऑफ जोधपुर इन 1839 AD, सपोर्ट दीवान जालम सिंह अगेंस्ट कोटा महाराव इन द बैटल ऑफ मैंगरोल, कंटिन्यूस इंटरफ्रेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेवाड़ एक्सेट्रा। अब जो फोर्ट ऑफ जोधपुर था, जोधपुर का किला, 1839 AD में क्या हुआ कि उसका पजेशन हो गया। क्या हो गया? उसका पजेशन ले लिया गया और दीवान सिंह को सपोर्ट मिलने लगा। किसके अगेंस्ट? कोटा महाराव इन द बैटल ऑफ मैंगरोल। मैंगरोल की जो बैटल थी, मैंगरोल जो जगह है, उसका जो युद्ध था, उसमें उसको सपोर्ट मिलने लगा, ठीक है। कंटिन्यूस इंटरफेरेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेवाड़ एक्सेट्रा, और मेवाड़ वगैरह में जो है कंटिन्यूस इंटरफेरेंस होने लग गया प्रशासन में। अब यह है डिसकंटेंट ऑन द क्वेश्चन ऑफ सक्सेशन इन प्रोविंसेस। सक्सेशन माने होता है उत्तराधिकार। क्या होता है? उत्तराधिकार की जो लड़ाई थी, उसमें डिसकंटेंट यानी उत्तराधिकार के मामले में असंतोष हो गया। कहाँ हो गया? प्रोविंसेस में, राज्यों में, मतलब भाई कौन उत्तराधिकारी बने, इस मामले में उनका विवाद हो गया। द कंपनी ट्राइड टू इम्पोज देयर डिसीजंस ऑन द प्रोविंसेस इन द मैटर ऑफ एडॉप्शन बाय द चाइल्डलेस किंग्स एंड इंटरफेयर इन अलवर प्रोविंस बाय डिवाइडिंग इट इन टू प्रोविंसेस इन 1826 AD। अब ये सारी घटना 1826 AD की है। द कंपनी ट्राइड टू इम्पोज देयर डिसीजंस, कंपनी ने जो है अपने निर्णयों को थोपना चाहा, ऑन द प्रोविंसेस, राज्यों के ऊपर, इन द मैटर ऑफ एडॉप्शन, कि हम एडॉप्ट करें, गोद लें, कि कौन गोद लेगा, चाइल्डलेस किंग, जिसके कि कोई संतान नहीं है, एंड इंटरफेयर्ड इन अलवर
प्रोविंस और अलवर प्रोविंस में राज्य में जाके हस्तक्षेप किया। बाय डिवाइडिंग इट, इसको विभाजित कर दिया इन टू प्रोविंसेस, दो राज्यों में, और वो सन मैंने आपको बता दिया, ये घटना हुई 1826 AD में। इंटरफेरेंस लाइक अपॉइंटमेंट ऑफ ए काउंसिल अंडर पॉलिटिकल एजेंट आफ्टर डिस्ट्रॉइंग द लोहागढ़ फोर्ट ऑफ भरतपुर इन 1826 AD। अब क्या है इंटरफेरेंस लाइक अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसिल, एक काउंसिल का अपॉइंटमेंट करके हस्तक्षेप करना अंडर पॉलिटिकल एजेंट, एक पॉलिटिकल एजेंट के अंडर में, आफ्टर डिस्ट्रॉइंग, किसको डिस्ट्रॉय करने के बाद, द लोहागढ़ फोर्ट ऑफ द भरतपुर, भरतपुर के लोहागढ़ फोर्ट को, कौन से सन में, इन 1826 AD बोलू, इन 1826 AD। एस्टेब्लिशिंग ब्रिटिश कंट्रोल ओवर बांसवाड़ा, अब बांसवाड़ा के ऊपर ब्रिटिश कंट्रोल हो गया ड्यू टू द माइनॉरिटी ऑफ महारावल लक्ष्मण सिंह। महारावल लक्ष्मण सिंह जो थे 1844 AD में, उनकी माइनॉरिटी के कारण, और फिर उन्होंने मतलब एक्चुअली अच्छा बांसवाड़ा में क्या हुआ ड्यू टू माइनॉरिटी, जो महारावल लक्ष्मण सिंह है 1844 AD में, उन्होंने स्ट्रेंथन करी मतलब मजबूत बनाई द फीलिंग ऑफ डिसकंटेंट, असंतोष की भावना को अमंगस्ट द किंग्स, राजाओं के बीच में, अगेंस्ट द कंपनी गवर्नमेंट, कंपनी की जो गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी तो ट्रेड करने के लिए, पर वो क्या बन पड़ी, हमारी शासक बन पड़ी। फीलिंग्स ऑफ कॉमन मैन, द फीलिंग्स ऑफ द कॉमन मैन, जो आम आदमी है उसके जो अनुभव हैं, उसकी जो भावनाएं हैं, वॉज अगेंस्ट द ब्रिटिश, वो एक्चुअली ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट थे। ये तो बट नेचुरल है कि ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट तो हमें होना ही होना है, क्योंकि वो हमारे देश को उन्होंने कॉलोनी बनाकर राज्य करना चालू कर दिया, ट्रेड करने आए, व्यापार करने आए, बट दे स्टार्टेड टू गवर्न अवर कंट्री। ठीक है, द कॉमन्स टुक द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ प्रीचिंग देयर रिलीजन, जो जनरल लोग थे उन्होंने ब्रिटिश पॉलिसी जो थी प्रीचिंग देयर रिलीजन, अपने धर्मों का ज्ञान देना, उपदेश देना, सोशल रिफॉर्म्स, सामाजिक सुधार एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक सुधार एज इंटरफेरेंस इन देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, और साथ में धार्मिक विश्वासों और प्रैक्टिसेस पे हस्तक्षेप करना। द लूट ऑफ द नसीराबाद मिलिट्री कैंप्स बाय डूंगजी के द्वारा, जो नेशनल मिलिट्री थी, कैंप्स थी, उसके ऊपर जो लूट हुई जवाहर जी एंड लाथू जाट, ठीक है, जवाहर जी एंड लाथू जाट कॉज हैप्पीनेस, वो बड़े खुश हो गए अमंग द कॉमन्स, कॉमन्स के बीच में। अब मैं तुमको यहाँ पे छोटी सी एक बात ये बताना चाहूँगी कि कई बार हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में हिंदी के वर्ड्स को यूँ का यूँ ले लिया जाता है, लूट वर्ड जो है लूटना हिंदी में भी होता है तो इंग्लिश में भी ये वर्ब है लूट, लूटेड, लूटेड।